Hello students, today we will be solving a problem of class 10th maths from the chapter constructions. The question states that two circles are drawn below. Which statement is true about the arcs drawn? The option A is the measure of the arcs are equal and the lengths of the arcs are equal. Second option is the measures of the arc measure of the arcs are equal and the lengths of the arcs are not equal. Third option is the measures of the arcs are not equal and the lengths of the arcs are equal. And the last option is the measures of the arcs are not equal and the lengths of the arcs are not equal. इस क्वेश्चन में दो सर्कल दे रखे हैं एक आर्क ड्रॉ किया गया है एक आर्क ए बी है और दूसरा आर्क सी डी है एक सर्कल का सेंटर ओ है और दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश है दोनों में जो आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है वो वन जीरो फाइव डिग्री का बना रहा है तो तो अगर हमको आर्क लेंथ रेडियस और एंगल मेड बाई द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच में रिलेशन पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लिख लेते हैं वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर वेयर थीटा इज

सेंटर ओ एंड ओ डैश रेस्पेक्टिवली आर को हमने बड़े वाले सर्कल का सेंटर आर को हमने बड़े सर्कल बड़े वाले सर्कल का रेडियस मान लिया और आर डैश को छोटे वाले सर्कल का रेडियस मान लिया तो लिख सकते हैं क्लियरली अब छोटा सर्कल है तो उसका रेडियस भी छोटा ही होगा तो आर डैश जो है वो आर से छोटा है तो लिख सकते हैं हीयर थीटा इन बोथ केसेस आर इक्वल बट रेडियस इज नॉट इक्वल और अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो हम कह सकते देर देर फोर आर्क लेंथ विल नॉट बी इक्वल क्योंकि थीटा अगर इक्वल है और आर इक्वल नहीं है तो एल भी ऑब्वियसली बात इक्वल नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा कि आर का जो मेजर है वो तो इक्वल है बट आर्क लेंथ इक्वल नहीं होगी तो द मेजर्स ऑफ आर्क्स आर इक्वल बट द लेंथ ऑफ आर्क आर नॉट इक्वल इसका मतलब जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा तो लिख सकते हैं बी इज द करेक्ट ऑप्शन तो इस क्वेश्चन में दोनों में दो डायग्राम दे रखे थे एक में रेडियस छोटा था एक में रेडियस बड़ा था मतलब रेडियस दोनों के इक्वल नहीं थे बट मेजर ऑफ आर्क इक्वल था दोनों एंगल आर्क दोनों आर्क सेंटर पे एंगल जो बना रहे थे वो 105 डिग्री का बना रहे थे लेकिन रेडियस इक्वल नहीं है और थीटा एल अपॉन एल के इक्वल होता है अगर थीटा इक्वल है आर इक्वल नहीं है तो एल बी इक्वल नहीं होगा तो इसका मतलब कि मेजर भरे इक्वल है बट आर्क लेंथ इक्वल नहीं है तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल